सबको जोहार। सरना धर्म कोड, हम भारत के लगभग 15 करोड़ प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के लिए अस्तित्व पहचान हिस्सेदारी का जीवन रेखा है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि देश के आजादी के बाद अब तक भी ये धार्मिक आजादी हम लोग को नहीं दी गई है। 1951 की जनगणना तक आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कॉलम कोड था, जिसको कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया। अब बीजेपी संघ वाले लोग हम आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने पर उतारू हैं। 2011 की जनगणना में सरना धर्म लिखाने वालों की संख्या लगभग 50 लाख थी, जबकि जैन धर्म वालों ने लिखाया 44 लाख। तब भी हमको नहीं देना, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है धार्मिक आजादी का, हम लोग कहेंगे भारत के आदिवासी, ये जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है या बाकी पार्टीज भी हमारे साथ धार्मिक गुलामी का काम कर रहे हैं, हमको जबरदस्ती हिंदू मुसलमान ईसाई बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक प्रकार से ये संवैधानिक अपराध है। और हाल में माननीय प्रधानमंत्री उली हतु आए, महामहिम राष्ट्रपति बारीपदा मयूरभंज उड़ीसा आए, और तब भी सरना धर्म कोड का मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग भारत के आदिवासी भारत बंद के लिए मजबूर हैं। 30 दिसंबर 2023 को भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे और मजबूर करेंगे इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकारों को, कि भारत के हम आदिवासियों के साथ ये अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। दूसरी बात, हम भारत के आदिवासियों के लिए पहाड़ पर्वत जो है वो हमारे ईश्वर हैं, देवी देवता है। और अभी हाल में झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 जनवरी 2023 को मारांगबुरु अर्थात पारसनाथ पहाड़ को भारत सरकार को पत्र लिखकर 5 जनवरी 2023 को कह दिया, लिख दिया कि ये जैन धर्म वालों का है। तो उसने हमारे ईश्वर को ही बेच दिया। तो हम लोग मारांगबुरु को बचाने के लिए अभी 10 दिसंबर को मारांगबुरु बचाओ सिंगल यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। उसी प्रकार 22 दिसंबर को दुमका में हासा भाषा विजय दिवस का आयोजन भी है, और 30 दिसंबर को हम लोग जोर शोर से भारत बंद करेंगे और हम सरकारों को मजबूर करेंगे। भारत बंद करके हम सरकार को भी जगाएंगे, जनता को भी जगाएंगे, आदिवासियों को भी एकजुट करेंगे। इसी के साथ अब भारत देश में एक आदिवासी राष्ट्र, ये जो झारखंड राज्य है ये आदिवासियों के लिए बना है मूल रूप से बिरसा मुंडा की जन्मदिन पर। बिहार बंगाल उड़ीसा राज्य केवल नहीं है, बिहार बिहारियों के लिए राष्ट्र भी है, बंगाल बंगालियों के लिए राज के साथ राष्ट्र भी है, उड़ीसा भी उड़िया लोगों के लिए राज नहीं राष्ट्र भी है। तो हमारे अपने झारखंड में ना हमारा हासा मन भूमि बचता है सीएनटी एसपीटी कानून के बावजूद, ना भाषा बचती है, ना धर्म बचता है, ना एसटी का हिस्सेदारी बचता है, और ना रोजगार के लिए यहाँ स्थानीय नीति बना है। तो इन तमाम चीजों को लेने के लिए हम सरना धर्म कोड को पूरे भारत के आदिवासियों को एकजुट करने का एक नया आंदोलन, एकता का आंदोलन, आजादी का आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। अंतिम बात, अभी हाल में कुछ राज्यों में भाजपा को बहुत बढ़त मिली, जीत मिली, लेकिन हम आदिवासियों के लिए चाहे देश में सरकार बदले या राज्य में सरकार बदले या कोई भी पार्टी चुनाव जीते, मगर हम आदिवासी समाज के लिए हार निश्चित है। देश में 75 साल कांग्रेस और बीजेपी अभी शासन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धार्मिक आजादी किसी ने नहीं दिया। झारखंड बने 23 साल हो गया, कुछ भी नहीं मिला। तो इस समय हम लोग भारत के आदिवासियों को नया नारा दे रहे हैं कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो, आदिवासी आशा वासा जाति धर्म रोजगार की रक्षा का काम करो, मगर जो पार्टी सरना धर्म कोड देगा हम आदिवासी उसको वोट देंगे। थैंक यू।